फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और निकल रही थी मैं अभी बाहर, जा रहे थे मैं और वरुण। उस दिन जो मम्मी ने कुकर ला के दिया था ना, मुझे वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए उसको रिटर्न कर दिए थे। और वहीं से मैं और दूसरा कुछ ले आऊंगी, मतलब कुकर ही लाऊंगी, लेकिन देखूंगी पहले कि कैसा कैसा है उनके पास। हॉकिंग्स का लाए थे शायद, तो देखूंगी और क्या है। और वैसे ही मार्केट में और भी कुछ कुछ काम है, तो हम लोग निकल रहे थे मैं और वरुण। ठीक है, आज का ये ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूं। कुछ दिन से मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन रेगुलर अभी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। ये जितना भी मैंने शूट किया था ना, ये सब पहले का है। और लास्ट मंथ मैंने शूट काफ़ी कर लिया था, लेकिन मैं इतना अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी एक एक करके मैं एडिट कर रही हूँ और अपलोड भी कर रही हूँ। और थोड़ा सा गैप भी कम हो गया है, मेरे पास 3-4 ही ऐसे वीडियोस हैं, तो ये ज़्यादा दिन मतलब बैक में अभी नहीं चल रही हूँ। हार्डली मेरे को 5 दिन ऐसे बैक में मैं चल रही हूँ अभी। तो कोई बात नहीं, अभी पूजा का भी अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, मतलब आज जब मैं शूट कर रही हूँ तो मैंने अभी तक पूजा का अपलोड नहीं किया है, तो बस उसका भी मैंने शूट करके रखा हुआ है। और अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा एक्टिव हो गई हूँ और शूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और लेट भी हो गया है, तो चलती हूँ। अगर हो पाया तो आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या लेने वाली हूँ। और ठीक है, चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी घर। और बाहर इतना भीड़ था ना फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा सूट नहीं कर ज़्यादा क्या मैं टोटली सूट नहीं कर पाई आज। एक्चुअली दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, दशहरा ख़त्म हो गया, तो आज विसर्जन के लिए सब लोग निकले हुए हैं। शाम को अभी विसर्जन चल रहा है, तो इतना रोड जाम था ना फ्रेंड्स, तो मैं मोबाइल अपना निकालना ही भूल गई, क्योंकि हम लोग जहाँ पे गए थे ना, जिस शॉप से लाए हम लोग, बहुत भीड़ था वहाँ पे। और मैं और मतलब हड़बड़ी में मैंने और मतलब फ़ोन भी नहीं निकाला, कुछ शूट भी नहीं कर पाई। और कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या लेके आई हूँ ये आप लोगों को दिखाती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुकर अपना लेने जा रही हूँ, उसको तो मैंने पहले दे दिया था उनको, लेकिन मैं लेके नहीं आई थी दूसरा। मम्मी ने मुझे 5 लीटर का वो प्रेशर कुकर लाके दिया था, वो हॉकिंग्स का वो था। और मैं आज पिजन का लाई हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। जब मैंने इसको देखा ना, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने ऑनलाइन देखा हुआ था सेम चीज़, और ये ऐसा है फ्रेंड्स कुकर। मैं ओपन करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना वजनदार है ये। मैं इसको अमेजोन में भी देखी थी, लेकिन इसका प्राइस वहाँ पे थोड़ा सा हाई था, इसीलिए मैं लेके नहीं आई अमेजोन से। ये उनका कुछ वारंटी कार्ड है, ये 5 साल का वारंटी है। और इसमें ना फ्रेंड्स, आप लीड जो होता है ना, वो 3 दिया गया है इसमें, और जो हंडी होता है ये 2 है। तो ये मुझे यूज में आ जाएगा फ्रेंड्स। ये एक 5 लीटर का है फ्रेंड्स, और ये एक 3 लीटर का है, 3 या 3.5 लीटर ऐसा है, तो 2 यूज हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए था। और एक भी मैं ऐसे हंडी जैसा मैं कुछ मंगवाने ही वाली थी, लेकिन मुझे यार दिख गया ये प्रेशर कुकर भी यूज हो जाएगा, ये कुकर भी बना सकते हो आप। इसमें 3 लीड दिया गया है, इसका मैं लिड भी आपको दिखा देती हूँ। एक नॉर्मल जैसे हम लोगों का ग्लास होता है ना, जैसे सब्जी वब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में दिया जाता है, तो ये एक वैसा है, एक नॉर्मल लिड है। और ये एक जो कुकर के लिए है फ्रेंड्स, और ये उसका विसल है, अंडरलॉक सिस्टम होता है ये। और हुआ है ये थोड़ा सा टूट गया है, फिर से जाना पड़ेगा शायद।
अपना घर उनके हाथों भिजवाऊंगी। अभी ये स्टीमर दिया गया है, लेकिन यार मैं थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग पता नहीं स्टॉक रखते हैं माल, ये क्या रखते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले वरुण को फ़ोन करती हूँ फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। पर अभी मैं वरुण को फ़ोन कर दी फ्रेंड्स, तो देखते हैं। उनको फ़ोटो भी मैंने भेज दिया है, तो शायद वो वहाँ पे दुकान में बोल के आएंगे। तो अगर हुआ तो अभी रिटर्न करेंगे क्योंकि 9 बज गया है ना फ्रेंड्स, तो उनका शॉप भी बंद मतलब करने वाले होंगे, इसीलिए शायद कल सुबह हम लोग फिर से जाएंगे। और ये एक छलनी है फ्रेंड्स, जैसे राइस ये सब चीज़ें बिरयानी बनाते टाइम में ना राइस छानने के लिए बहुत चाहिए होता है बड़ा साइज का, तो मुझे दिख गया तो मैं लेके आ गई। और खाली राइस नहीं, आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो ऐसे साग वगैरह ये पत्ते वत्ते ये सब चीज़ें भी ये छानने के लिए बहुत ईजी होता है। और मैंने एक नाइफ लिया है, छोटा सा ही है, और बड़े साइज में बहुत सारा है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने ये छोटा लिया है। कुछ मेरे पार्सल भी आए थे फ्रेंड्स, मैंने ओपन नहीं किया था, तो अभी भी ओपन कर देती हूँ, बैठी तो हूँ। तो ये मिंत्रा से मैं ये पार्सल मंगवाई थी, तो इसको भी ओपन कर देती हूँ। मैंने ये पापा के लिए टी शर्ट मंगवाया था, मेरे पापा के लिए, और उनका बर्थडे था अभी बीच में, तो मैंने उनको कुछ नहीं दिया था। मम्मी को पूछी तो घर पे पहनने वाला जो टी शर्ट्स होते हैं ना, तो मम्मी ने वो बोला था, तो मैंने ऐसे 3 टी शर्ट मंगवाया है। एक आया है शायद पता नहीं, ये एक वाइट टी शर्ट है फ्रेंड्स, ऐसे में एक वाइट टी शर्ट है। पापा को वाइट लाइट कलर खास करके बहुत पसंद है, लेकिन मैंने वो मतलब लाइट भी मंगवाया है डार्क भी मंगवाया है। और इस साल मैं सोच रही थी कि पापा को क्या दूँ, मतलब सब चीज़ें तो है उनके पास और क्या दूँ, क्योंकि मम्मी ने अभी बहुत सारे कपड़े पापा को दिलवाए हैं, भाई भी आया था तो उसने भी दिया हुआ है पापा के लिए। और हाफ पैंट पहनते ना पापा घर पे, तो हाफ पैंट के साथ ये सब चीज़ें इजी हो जाता है कैरी करने के लिए, और पापा टी शर्ट पहन लेते हैं, अगर क्वालिटी अच्छा हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो 2 पार्सल आया है, और दूसरे में और क्या आया है पता नहीं, ओपन करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने लिए भी लिपस्टिक्स मंगवाए हैं फ्रेंड्स, ये वरुण के लिए मैंने सॉक्स मंगवाया था, ये एंकल वाला है, एडिडास का है, ये 3 पैर जो रहता है ना कम्बो पैक ये वैसा है। तो सॉक्स और क्या दिखाऊं फ्रेंड्स, इसमें क्या आया है मुझे नहीं पता, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये मेरे लिपस्टिक्स हैं फ्रेंड, लेकिन इसका भी मैं स्वैच करके अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने और भी लिपस्टिक्स मंगवाए हैं। अच्छा ये 2 लिपस्टिक्स आए हैं फ्रेंड्स, और दोनों लगभग एक जैसा कलर नहीं है, दोनों न्यूड है। ये एक लिप क्रीम है और ये क्रेयॉन है, आपको कलर दिखा देती हूँ लेकिन स्वैच करके अप्लाई करके मैं दिखाऊंगी। मैं और 2 लिपस्टिक भी मंगवाई हूँ तो आया नहीं है, तो एक साथ मैं वो सब मतलब अप्लाई करके डायरेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कुछ ऐसे कलर में है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्रिक काइंड ऑफ कलर है, ब्राउनिश में है, ये कोरल है एक्चुअली, डीप कोरल है, ये मेबलिन का है फ्रेंड। और ये और एक कलर है, ये क्रीम है स्विस ब्यूटी का, मैं स्विस ब्यूटी पहले भी यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, ये सेम मतलब लिप क्रीम जो होता है, और मुझे ये इतना पसंद आता है, इतना लाइट वेट रहता है ये। और ये भी मैंने कोरल काइंड ऑफ ये न्यूड कलर में है फ्रेंड्स, और ये आइकॉनिक न्यूड है, NO2 इसका नंबर है, सेम नंबर है। और 2 आएगा ना, मैं इसको पूरा ओपन नहीं कर रही हूँ इसलिए, और 2 आएगा तो मैं आप लोगों को स्वैच करके भी दिखाऊंगी। और थोड़ा सा अपने पास ले आती हूँ कैमरा को, तो इतना ही मैं लेके आई थी फ्रेंड्स। और आज का ये ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स अगर कल तक मैं कंटिन्यू करूँ तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम में भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहती हूँ। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।